स्टार्ट किसने दाया एमडी स्टार्ट एनपीएम स्टार्ट किसने आया कौन मैं क्लियर करूँ ना कंसेप्ट। हाँ हाँ देखो तो आप बात कर रहे हैं नोड की है ना, नोडी की तो बात कर रहे हो ना कि वो टर्मिनल में आ जा टर्मिनल में आ जा। नहीं उससे पहले कहाँ था पॉइंट ये ना, उससे पहले कहाँ था। देखो डेटाबेस में डेटा नहीं, ये तो बैड मेन पॉइंट है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम फॉर्म भर के ये सब कहाँ पे टेबल में कहाँ से आ गया इसमें, मैं ये फॉर्म भर के सबमिट नहीं टेबल कहाँ से आ गया इसमें, मैं ये इसमें टेबल कहाँ से आ गया। हाँ हाँ बता तो हाँ नहीं यू आर एल में तो कभी डेटा दिखाना नहीं चाहिए। पॉइंट अभी भी नहीं समझ में आ रहा मेरा क्वेश्चन क्या, सब क्वेश्चन समझो। मैं ये फॉर्म भर के सबमिट करता हूँ, चलो ये सबमिट कर रहा हूँ, ये भरूंगा सबमिट करूंगा, तो सबसे पहले डेटा कहाँ जाएगा। अगर वो डेटा वहां नहीं गया ना तो क्या नाम है पवार जी, तो आपके वीएस कोड के टर्मिनल में भी नहीं आएगा, ना MySQL में जाएगा, ना MongoDB में जाएगा, ना URL में आएगा। ये तो पॉइंट है समझने वाले, बेसिक चीजें। अगर डेटा हमारा वही नहीं गया तो फिर टर्मिनल में भी नहीं आएगा वो, पॉइंट समझ आ रहा है पवार जी। अगर बैकएंड पे काम करते तो फिर देखना, तो क्वेश्चन है सही, सब लोग समझ आ रहा है क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन क्लियर हुआ। हेलो तो फिर सबसे पहले डेटा कहां जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है ना। तो मैं आपको बताता हूं, देखो ये दिख रहा है नेम, तो सबसे पहले डेटा दिख रहा है ना, सबसे पहले डेटा ये नेम है ना, इनके अंदर जो अपन डिफाइन करेंगे वेरिएबल, मैंने डिफाइन कर दिया एन, कुछ भी दे सकते हो, नेम का हमने एन दे दिया, यूजर का हमने यू दे दिया, कुछ भी दे दो है ना, नाम ईमेल का ई दे दिया, पासवर्ड का पी दे दिया है ना। जैसे मैं फॉर्म भर के सबमिट करूंगा ना तो सबसे पहले डेटा नेम के इन एन में आके स्टोर होंगे, यू में यूजर नेम स्टोर होगा, ईमेल में ई में ई इसमें स्टोर होगा, पासवर्ड का पी में स्टोर होगा आके, सबसे पहले जानते हो सबसे पहले इसी में आ जाएगा वो, देखो दिखाता हूँ देखना भाई, और फॉर्म भर के देखो मैंने भरा, अब सब देखना आपको डेटा दिखाता हूँ यूआरएल में, देखो ना जैसे मैं सबमिट करूंगा हमें यहाँ पे यूआरएल में डेटा दिखेगा। अरे क्या हो गया लैपटॉप, देखो सबमिट हो गया, देखो डेटा, देखो मैं लेके आता हूँ कंसोल में, खुल गया सिस्टम, टाइम ले रहा है।
देखो देखो क्या लिखा, एन में विकास जैन, यू में विकास, ईमेल में ई में ई में ईमेल आईडी आ रहा है, पी के अंदर आ रहा है पासवर्ड, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फॉर्म भर के सबमिट किया, दिख रहा है सबको। अब सोचो अगर मैं इसमें से पी हटा दूं, इसमें से ई हटा दूं, तो अब क्या होगा देखो। ना बैक करूंगा, बैक करना पड़ेगा ना, तो सबमिट हो गया वो फॉर्म भरा, ये समझ लो आपके हमेशा बैकएंड में भी काम आएंगे चीजें, ऐसा नहीं कि अकेला फ्रंट एंड में भी काम आए, ये आपके बैकएंड में भी काम आएंगे चीजें। क्यों हो रहा है, नहीं मेरा मेरी हो रहा है वो, एक मिनट को मेरा गड़बड़ कर रहा है, एक मिनट ना, नहीं, मेरा हैंग हो रहा है लैपटॉप, एक मिनट को, वो मेरा हैंग हो रहा है लैपटॉप, एक मिनट बस, देखो पंगा क्यों कर रहा है लैपटॉप। तो ये देखा आपको सबसे पहले डेटा कहाँ जाके स्टोर हुआ, देखा सबने, नेम के अंदर सबसे पहले जो डेटा स्टोर हुआ वो नेम के अंदर हुआ, और हम अगर नेम ही खाली छोड़ दें तो क्यों सारे लोग, अगर हम नेम के अंदर वेरिएबल ना डिफाइन करें तो बताओ डेटा स्टोर हो पाएगा इनके नेम के अंदर। देखो यहां देखना, अब मैं भर रहा हूं, समझ लो ये आपका बैक एंड फ्रंट एंड दोनों काम आएगा। सबमिट किया, देखो अब देखो क्या स्टोर हुआ, क्या डेटा, देख लो नेम और यूजर नेम बस है ना, उसी में तो डेटा स्टोर हुआ। अब बताओ जब डेटा इनमें स्टोर नहीं होगा, इनमें खाली है, तो आगे डेटा कैसे चले जाएगा डेटाबेस के अंदर, ये तो फ्रंट एंड वाली डिजाइन है, बैक एंड का तो कुछ काम ही नहीं किया हमने है ना, बैक एंड का तो कुछ काम ही नहीं किया, जब डेटा इनमें नहीं स्टोर हो रहा होगा तो फिर डेटा आगे नहीं जाएगा, समझ आया, क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो कभी तुम चेक करना फॉर्म में जाके अपने, उसमें नेम देखना, उसमें जाकर देखना नेम में डिफाइन कर रखा होगा, और नेम हटा देना ठीक है, और फिर जाके चेक करना टर्मिनल में डेटा नहीं आ रहा होगा सारी किट और बॉडी में। और अगर रिएक्ट में कर रहे होगे तो वहां पे ऑन चेंज लगाना पड़ रहा होगा उसमें इनपुट के अंदर, अगर नोड में कर रहे होगे तो नेम देना पड़ रहा होगा, तय करना उसमें। तो अब देखो अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि कभी भी डेटा URL में शो नहीं होना चाहिए, कभी देखा आपने फॉर्म भर के सबमिट किया हो आपका डेटा URL में दिख जाए। अब सोचो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, आपका डेटा URL में लग गया, आपका ईमेल पासवर्ड है ना, कभी भी डेटा URL में शो नहीं होता, ध्यान रखना डेटा जाएगा URL के थ्रू ही, जैसी मैं सबमिट करूंगा ना डेटा जाएगा इसके ही थ्रू, URL के थ्रू, ध्यान रखना फॉर्म में, इस फॉर्म में आएगा ऐसे ही, सबमिट करोगे इसमें आया, इससे इस फॉर्म में आ गया, आएगा वही प्रोसेस, मगर यहाँ पे डेटा शो नहीं होना चाहिए कभी URL के अंदर। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं पोस्ट नाम का, दो मेथड होते हैं गेट और पोस्ट, गेट में होता है डेटा को लेके आना, पोस्ट में होता है डेटा को पहुंचाना, और इस पोस्ट की मदद से हम कितना भी डेटा पहुंचा सकते हैं कैसा भी ठीक है। तो बैकग्राउंड आप समझोगे ठीक है, अब डेटा जाएगा कहाँ पर, देखो डेटा इनमें आके स्टोर हो गया, अब यहाँ से डेटा बैकएंड के पास जाएगा, जहाँ पे आप बैकएंड की कोडिंग कर रहे होगे, PHP से करो है ना, नोड से करो, जावा से करो, जिससे भी करो, तो यहाँ से डेटा जाता है बैकएंड के पास। तो वो अपन लगाते हैं यहाँ पे एक्शन, क्या लगाते हैं अपन, एक्शन लगाते हैं, एक्शन देते हैं,
और उस एक्शन में पाथ डिफाइन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, मैंने डिफाइन कर दिया बी डॉट एस्टीमेट, ऐसे एस्टीमेट। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं फॉर्म भर के सबमिट करूंगा तो डेटा नेम में आके स्टोर होगा, ठीक है, आ गया। फिर ये पोस्ट क्या करेगा, डेटा को लेके जाएगा कहाँ पर, इस बी डॉट एस टी एम एल के पास, ठीक है। ये एक्शन कहाँ जाएगा, सीधा बी की डॉट एस टी एम एल के पास जाएगा, मतलब इसके पास आएगा, इसके पास आएगा। और फिर यहाँ पे अपन बैकएंड की कोडिंग करेंगे। जब मैं आपको समझा रहा हूँ, जब बैकएंड में काम करोगे तो आपको क्लियर रहेगा, तो आपको याद रहेगा, अच्छा पोस्ट ये काम करता है, पोस्ट ये काम करता है, एक्शन क्या काम करता है, नेम क्या काम करता है। ये बेसिक चीज है, बेस है हमारा, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो फिर हमें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है ये चीजें। देखो अब रिफ्रेश किया मैंने, तो मैं नेम भर देता हूँ, ई हो गया, पी हो गया, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो कुछ टाइप किया, टाइप किया, देखो और सबमिट किया। अब देखना सीधा जी कहाँ पहुंचेगा, देखो कहाँ पहुंच गया, बी डॉट एस टी एम एल पे। और इस पे क्या लेके आया होगा साथ में, वो डेटा, कौन लेके आ रहा होगा डेटा संगे, ये पोस्ट। और ऊपर देखो यूआरएल में कुछ दिखा नहीं, दिख रहा है, समझ आया कहानी, कहानी क्लियर हुई इतनी तो समझ आ गया क्या होता है, मेथड क्या होता है, दोनों समझा दिए मैंने, फ्रंट एंड बैक एंड। अब एक चीज और देखो, मैंने यहाँ पे एक इनपुट डिफाइन किया, क्या इनपुट में लिख दिया टाइप टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन कर दी, वैल्यू वैल्यू, तो मैंने लिखा इसके अंदर पी एन प्रोसेस आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिखेगा, मैं बी एल लगा देता हूँ, दिख रहा है पी एन प्रोसेस बाय डिफॉल्ट भरा हुआ आ रहा है, क्योंकि इनपुट के अंदर मैंने क्या डिफाइन कर दिया, वैल्यू। तो वैल्यू से क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट वो इनपुट के अंदर भरा हुआ आ रहा है। और जैसे मैं आप लिख दूंगा पी एन इन्फोसिस ग्वालियर, तो ग्वालियर आ जाएगा, देखो उसके अंदर इनपुट के अंदर आ गया, देखो। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो, हटा सकते हो, देखो, मगर रिफ्रेश करोगे फिर से बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अब तुम चाहते हो यार ये कोई चेंज ना कर पाए, है ना, होता नहीं कुछ चीज़ें रीड ओनली होती हैं कि नहीं, ये आप नहीं चेंज कर सकते, कुछ चीज़ आपने अपडेट करी तो उसमें कुछ रहता है कि नहीं ये नहीं बता सकते आप, ये चीज़ आपके एक्सेस में नहीं है, है ना। तो अपन आपको दिखेगा बस आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, रीड ओनली कर देते हैं, रीड ओनली, ठीक है, बस समझे। अब जब आपको दिखेगा आप इसको बदल नहीं सकते, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ बदल नहीं रहा, ये क्लिक दबा रहा हूँ चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आया रीड ओनली क्या होता है और वैल्यू क्या होती है ना, बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ हाँ वो हाँ वो भी जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, जो आंख आती ना, आई आंख आती, आंख आती ना आंख, उस पर क्लिक करने पास में दिखने लगता है, हाँ वो अपन जावास्क्रिप्ट में सीख रहे हैं ना, ठीक है चलो। अब ये हो गया, अब और देखते, पहले इतना नोट कर लो फिर और समझाता हूँ, अभी और भी फील्ड है, समझ आ गया, इतनी फील्ड अभी और भी फील्ड है, पर इतना नोट कर लो। हाँ जी बोलो, अभी अभी आएंगे आएंगे अभी आएंगे, अभी अभी तो बहुत फील्ड है, अभी तो बहुत फील्ड है इसमें, पर इतना नोट कर लो फिर और समझाता हूँ।
नोट कर लो। ठीक है, बाकी लोगों का ठीक कर लो आराम कर लो। नोट हो जाता देना। ठीक है, बाकी लोगों का सब लोगों का हो गया। चलो अब देखो, नेम हो गया, ईमेल हो गया, यूजर नेम हो गया। ठीक है चलो, आज इतने रखते हैं ना। जन्माष्टमी की तैयारी करो आप लोग, है ना, कर लेंगे आप लोग आज। आज ना चलो, सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, बढ़िया है ना, पूजा करो जाके सब लोग। हम भी चलते हैं। हाँ जी।